गोंदिया जिले के उन्नत किसान महेंद्र ठाकुर, जो पिछले कई वर्षों से किसानों की प्रगति के लिए प्रयासरत हैं, उन्होंने पिछले 6 वर्षों से कई एकड़ पर ड्रैगन फ्रूट की खेती करना शुरू किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि 2 वर्ष के बाद ही इन्हें ड्रैगन फ्रूट की खेती से ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन मिलना शुरू हो गया। फिर उन्होंने इस ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए कई किसानों को प्रेरित किया, जिससे कई किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती करके लाभ उठा रहे हैं। वर्तमान समय में ड्रैगन फ्रूट की बाजार में अच्छी कीमत और मांग है। महेंद्र ठाकुर का प्रयास है कि हमारे जिले के किसान पारंपरिक खेती से हटकर इस तरह की खेती करके अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी करेंगे, जिसके लिए वे सभी किसानों को यह खेती करने के लिए मदद कर रहे हैं। हम इस वक्त आए हैं गोंदिया से 15 किलोमीटर दूर रायपुर विलेज, जो गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पे हम रुचि बायो फार्म में आए हैं, जहाँ पे हम महेंद्र ठाकुर जी से मुलाकात करेंगे और इनसे हम जानेंगे कि बायो फार्म के बारे में खेती किस प्रकार की जाती है। सर, थोड़ी सी जानकारी दीजिए हमें। फार्मिंग में अभी हमारे पास महाराष्ट्र में और गोंदिया में जो फार्मिंग हो रही है, वैसे तो कई प्रकार की फार्मिंग होती है, लेकिन हमने जो नए प्रकार के फ्रूट्स यहाँ निकाले हैं, तो उसमें से आज समय जो है वो ड्रैगन फ्रूट यहाँ हमारे यहाँ पर सबसे अच्छा आता है। साथ साथ पपाया हम ग्रो करते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी का आता है। गावा जो आता है वो बहुत अच्छा होता है। और ड्रैगन फ्रूट हमारे लिए एक ऐसा है कि ना उसको कोई जानवर खाता है, ना बंदरों की दिक्कत है, पानी अगर कम है तो भी चलता है। उसके बाद में उसको ज़्यादातर बीमारियां होती नहीं हैं, तो जिस वजह से इस फ्रूट को हम ऑर्गेनिक तरीके से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सर, अगर हम ड्रैगन फ्रूट को अगर पेशेंट के माध्यम से अगर देखें, तो पेशेंट कौन सा पेशेंट इसको खाए तो उसको रिलीफ होगा? जैसे तो फ्रूट को ये कहा जाता है कि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू है, लेकिन इस फ्रूट में मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि ये सबने खाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन्स भी होते हैं, स्किन बहुत अच्छी होती है, एंटी एजिंग फैक्टर हैं, और साथ साथ जो प्लेटलेट काउंट जब कम हो जाता है तो डॉक्टर इनको रिकमेंड करते हैं कि प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है ड्रैगन फ्रूट। तो इसको दवाई के जैसे भी, फ्रूट के जैसे भी, और न्यूट्रिशनल वैल्यूज होने की वजह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सर, आप ये ड्रैगन फ्रूट की खेती कितने एकड़ में करते हैं? ड्रैगन फ्रूट हमारे ग्रुप में करीब अभी 20 से 25 एकड़ की खेती हमने लगाई हुई है, लेकिन आज से 6 साल पहले मात्र 1 एकड़ में हमने लगाई थी। 3 साल 4 साल तक हमने उसका पूरा अध्ययन किया, और जब पता चला कि इसमें किसी भी तरह से कितनी भी बारिश आ जाए, ओले गिर जाए, कुछ भी हो जाए, इसको ज़्यादा असर नहीं होता है। पेड़ अगर गिर भी गया तो भी इससे फसल मिलती है, और इसमें ऐसा नहीं कि तूफान आया तो फल गिर गया, फूल गिर गया, तो उसका जो प्रोडक्शन है वो हमका प्रोडक्शन हमें मिलता है। नहीं, आपका कहना है कि कम से कम मैं 6-7 साल से इस खेती को कर रहा हूँ ड्रैगन फ्रूट के। जी, तो इसमें ऐसा है कि वो ड्रैगन फ्रूट लगाने के बाद में इसकी फसल 4 से 5 बार फ्लशिंग होती है, मतलब एक बार फ्रूटिंग आएगी फिर दोबारा आएगा। कंजम्पशन हमारे क्षेत्र में जैसे जैसे लोगों ने अब जाना है कि इसकी वैल्यूज़ क्या है, कितना अच्छा है, तो आजकल बच्चे भी उसको लेना चाहते हैं। ये एज अ फ्रूट डेकोरेशन में काम आता है, तो इसीलिए बच्चे भी उसको पसंद करते हैं, तो काफ़ी लोगों की डिमांड। एक बार में इसका कितने फ्रूट निकलते हैं? और 3 बार जैसे आपने बताया कि खेती होती है, 3 बार में कितने फ्रूट निकलते हैं? इसमें एक पौधे में करीब करीब जैसा जैसे बड़े वेजिटेटिव ग्रोथ आती है, तो पौधे को कम से कम 20 से 25 फ्लावरिंग कम से कम फ्लावरिंग होती है, मतलब उतने फ्रूट आएंगे। वैसे 25 और 4 बार आए तो 100 फ्रूट हो सकते हैं। तो एवरेज 70-80 फ्रूट्स एक पौधा हमें जून से लेकर नवंबर तक देता है, तो ऐसे जून से लेकर नवंबर तक हम इसकी फसल ले सकते हैं। ठीक है महेंद्र सर, थैंक यू आपने जानकारी देने के लिए। गोंदिया से हर्षद चूटे की रिपोर्ट, BCN न्यूज़।